नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर वन में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों को समझा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ के स्टेट एनिमल स्टेट के बारे में पूरी जानकारी दी थी, और यहाँ पर जयपुर क्यों फेमस है, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं, जोधपुर क्यों फेमस है, आपका जैसलमेर क्यों फेमस है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मकराना, कोटा, इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज की दूसरी क्लास में हम लोग इसके बाद का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान में यूनेस्को ने कितनी वर्ल्ड हेरिटेज, जो आपके पास हेरिटेज है, साइट्स हैं, उनको डिस्कस किया हुआ है, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों बने रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को इसमें समझिएगा। तो प्रीवियस क्लास में लेक्चर वन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ का पशु कौन सा है, यहाँ का वर्ड कौन सा है, यहाँ पर हम लोग और किस किस चीज़ों के बारे में बात करी थी, पिंक सिटी क्या है, आपका वाइट सिटी क्या है, आपका यहाँ पे ब्लू सिटी हम किसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में मैंने चर्चा की। तो चलिए हम लोग आज इसमें सीखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो सब लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे और एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को आप लिखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये आपके पास है लेक्चर टू, और इस लेक्चर टू में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक फुल एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर क्लियर होगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, मैं ऑलरेडी लिंक कर चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी कहाँ पर है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, जैसे जयपुर में पूछते हैं कि इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की नहीं है, इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है ना। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं सारी एक एक चीज लिखूंगा। पहले है टोडागढ़, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में लिख रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, जो लेक्चर वन में पढ़ा, जितने भी लोग जेई एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान आरबीएनएल के लिए, तो वो ध्यान दें और ये ध्यान से पढ़ लें, इससे क्वेश्चन 101% आपको मिलने वाला। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले है टोड़गढ़ रावली, ठीक है, टोड़गढ़ रावली बोल देते हैं इसको हम लोग। दूसरी है हमारे पास यहाँ पे मेहरगढ़ दोस्तों। तीसरी यहाँ पर है शेरगढ़। चौथी है कुंभलगढ़। नेक्स्ट है सज्जनगढ़। तो जिनमें भी गढ़ ये लगा है, ये ज्यादातर क्या है आपके राजस्थान की ही है, और इसके अलावा जो होंगी वो और प्रदेश की होंगी, लेकिन क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट ऑफ राजस्थान, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, तो आपका एक नंबर इससे बिल्कुल फिक्स होने वाला है, बिल्कुल 101%। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है माउंट आबू, ठीक है, और इसके बाद है सीता माता के नाम से ये आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और केला देवी, ये सभी राजस्थान में आएगा, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, एक डोरा। नेक्स्ट है नेशनल चंबल, तो इसके बाद तुम्हारा आ जाता है वन विहार। मैं चाहता इसे पहले भी लिख सकता था, लेकिन जब लाइन से मैं इसको लिख रहा हूं तो मैं आपको याद करने का भी इसका तरीका बताऊंगा, ध्यान देंगे, याद करने का मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप एक एक चीज, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एक एक चीज अच्छे से समझें, पूरा आज का वीडियो बहुत अच्छा समझने आने वाला है आपको, ठीक है। जसवंत सागर। नेक्स्ट है फुलवाड़ी।
नेक्स्ट है मुकुंदरा टाइगर, मुकुंदरा मुकुंदरा टाइगर, मुकुंदरा टाइगर भी जो दोस्तों है, मुकुंदरा टाइगर भी यहाँ पे क्या है आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान में है। नेक्स्ट है बरेठा, बरेठा, और है ताल छप्पड़, ताल छप्पड़, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी शेरगढ़ हो गया आपका, और हाँ शेरगढ़ हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, सज्जनगढ़ हो गया, माउंट आबू हो गया, रामगढ़ हमने लिख दिया, नहीं रामगढ़ और रह गया यहाँ पे दोस्तों, रामगढ़, रामगढ़। चलिए तो मैं आपको इसे याद करा देता हूँ कि आपको याद कैसे करना है। एक क्वेश्चन पिछले 10 सालों से लगातार राजस्थान के, चाहे PSC का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे क्लरिकल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक्निकल में, उस पोर्शन में ये पार्ट आपका एक क्वेश्चन 101% आता ही है। आप पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वीडियो को एक एक चीज अच्छे से समझें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी जगह सबसे ज्यादा फेमस है वाइल्ड लाइफ में, तो इस स्थिति में टोड़गढ़ रौली, टोड़गढ़, टोड़गढ़ आपको ऐसे याद करना, टोड़गढ़, टोड़गढ़ लिखा हो, टोड़गढ़, मेहरगढ़, शेरगढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, ये जितने भी गढ़ लगे हुए हैं, और रामगढ़, तो ये सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये सभी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, जिसमें भी गढ़गढ़ लगा होगा। इसके अलावा बात कर रहा हूँ माउंट आबू, आपने नाम सुना है, ये भी राजस्थान में है। सीता माता, सीता माता भी राजस्थान में, आप आराम से याद कर रहे हैं। केला देवी, धौलपुर से आगे जाते हैं तो केला देवी है वहाँ पे, वहीं पे धौर्रा भी है, और नेशनल चंबल भी निकला हुआ है, तो आपको ये तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। वन बिहार आपको याद कौन कौन से करना, वन बिहार, बरेठा, मुकुंदरा टाइगर, फुलवाड़ी, और जसवंत सागर। तो जसवंत आपको लग रहा है ना राजस्थानी नाम, तो जसवंत हो गया। फुलवाड़ी, फुलवाड़ी आपने देखा होगा उस तरीके का एक स्ट्रक्चर, महिलाएं होती हैं बड़ी बड़े लॉन्ग पहने रहती हैं नाकों में, तो उस तरीके से उसको क्या फुलवाड़ी अरेंजमेंट उसको कहा जाता है, फुलवाड़ी टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है जो भी उनके गहनों का होता है, तो उसे फुलवाड़ी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं फुलवाड़ी, जसवंत सागर, मुकुंदरा टाइगर, टाइगर राजस्थान में है हम लोग ऐसा समझ लेंगे, तो मुकुंदरा टाइगर, बरेठा, और ताल छप्पड़, ताल छप्पड़, ताल छप्पड़, तो ताल छप्पड़, और तो ये गिने चुने 5 से 6 जो एक्स्ट्रा हैं ये भी आपको याद करना है। किस श्रेणी में आ जाएंगे ये सभी, आ जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे पक्का है, ठीक है। तो मैं आपको अगर क्वेश्चन दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, तो ऑप्शन मैंने दे दिया कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है इसमें ये ऑप्शन कुंभलगढ़, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने शेरगढ़, तो यहाँ पे दे दिया शेरगढ़ है, शेरगढ़ है, मैंने इसमें आपको दे दिया ताल छप्पड़, या चौथा दे दिया, चौथा मैंने दे दिया सिकंदरगढ़, ठीक है ना, सिकंदरगढ़ भी है, तो सिकंदरगढ़। तो अब आपने बोला था सर जिसमें गढ़ आ जाए वो होगा, तो आपने देखो नाम तो याद किए ना कि शेरगढ़, मेहरगढ़, तोड़रगढ़, कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़, और ये जो लगे हैं फिक्स हैं आपके, 6 से 7 फिक्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए, तो है ना। तो शेरगढ़ है, जबकि शेर सिंहगढ़ अगर ऐसा कुछ आ जाए, या जयसिंहगढ़ आ जाए, इस तरीके से अगर कुछ भी हमें स्ट्रक्चर बना दे तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, सभी लोग नोट कर लें लाइन से, सभी लोग लाइन से नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट की, किसकी, थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट कि राजस्थान में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद हो गया होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, आपको रिवीजन करेंगे एक दो बार इसको देखेंगे तो ये और अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की, तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ कहाँ है, तो पहले है सूरतगढ़, क्या है दोस्तों, सूरतगढ़, सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट आपका कोयले से एनर्जी को जनरेट कर देगा, हीट जनरेट करके, ठीक है ना, तो सूरतगढ़ पावर प्लांट। दूसरा है छपरा, छपरा, ठीक है, छपरा में। नेक्स्ट है आपका गिरल लिग्नाइट, गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट, गिरल लिग्नाइट है। नेक्स्ट पावर प्लांट है अंटा पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बर
सिंह सर लिग्नाइट, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लाइन बाय लाइन याद करवा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन इसको एक एक चीज नोट करवा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोटा स्टेट में जो बना हुआ है, कोटा स्टेट, नेक्स्ट है कोटा स्टेट। इसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संयोग सुगर, है ना, संजोग सुगर एंड इको पावर पावर प्लांट, संजोग सुगर एंड इको पावर पावर प्लांट। और लास्ट दोस्तों यहां पे है अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के नाम से, राजस्थान लिमिटेड के नाम से। तो आप लोग सभी लोग आरबीएनएल का पेपर देने वाले हैं और पावर प्लांट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे 4 से 5, उन सभी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, सूरतगढ़ में है, यहाँ पे छपरा में है, गिरल लिग्नाइट एरिया है, गिरल वहाँ पर है, लिग्नाइट से बनता है, कोयला से, लिग्नाइट कोयला का एक अयस्क है और उससे ये जनरेट होता है। एंडा में है और बरसिंगगढ़ लिग्नाइट, बरसिंग जगह है, बरसिंग सर आपकी एक जगह है जहाँ पर ये बनता है, कोटा स्टेट में बनता है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और संजोग सुगर एंड इको पावर और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड। तो इसको सभी लोग लाइन से नोट कर लीजिए। ये हो गए आपके थर्मल पावर प्लांट दोस्तों, ये हो गए थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पे लगभग 1180 मेगावाट का है, 1180 मेगावाट का सबसे पहले लगाया गया और ये था रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। किस नाम से? रावत भाटा। तो ये रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से फेमस है, 1180 मेगावाट का ये सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। और हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक चंबल और माही नदी पे। यहाँ पर जो चंबल और माही नदी है, चंबल एंड माही, इसी के साथ आपको पता है कोसी नदी भी है और भी नदियां गई हैं, नदी वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर कौन सा पावर प्लांट लगाया गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा दोस्तों? आज के लेक्चर में हम लोगों ने पावर प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से जाना और दूसरी चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अच्छे जाना। एक बार और अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये दोनों पार्ट इस लेक्चर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है तो आपको चीज अच्छे से समझ में आई होगी, इनका मतलब समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। ध्यान से एक बार देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में कौन कौन सी है? तो टोलगढ़, मेहरगढ़, शेरगढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ और रामगढ़। इसके बाद तालछप्पर, बरेठा, मुकुंद राजा, टाइगर, फुलवाड़ी और जसवंत सागर। इसी के साथ धौर्रा नेशनल चंबल, तो चंबल नदी यहीं से निकली, वन विहार, सीता माता और केला देवी और माउंट आबू। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और 101% क्वेश्चन एंड करके आओगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट 1180 मेगावाट का लगा है रावत भाटा प्लेस पे। अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगा है? सूरतगढ़, इसमें जगह है, वहां पर लगा है, छपड़ा में लगा है, है ना, ये बरसिंग सर लिग्नाइट एरिया में, गिरल में, अंटा में, कोटा स्टेट में और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नाम से यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है और संजुक सुगर एंड इको पावर के नाम से अडानी पावर भी यहाँ पर है और चंबल और माही नदी के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगे हुए हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो बार अच्छे से देख लीजिए, देन यू विल डेफिनेटली फील कि आपको ये चीज़ें अच्छे से आ गई और आपको क्वेश्चन 101% मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, आगे सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।